छोटे छोटे बच्चों की इस मानव श्रृंखला को देखिए। ये बच्चे कोई क्लास का असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बच्चे मांग कर रहे हैं टीचर की, उस टीचर की जो इन्हें शिक्षा दे सके, इनके भविष्य को सवार सके। जब इन छोटे और नन्हे बच्चों ने रस्सी के सहारे ये मानव श्रृंखला बनाई तो पूरी सड़क जाम हो गई। बच्चों ने जमकर नारेबाजी की और कहा, हमें भी शिक्षा चाहिए, हमें भी पढ़ना है। गांव में बच्चों के चक्का जाम प्रदर्शन की सूचना आग की तरह फैल गई और आनंद फानंद में टीआई और तहसीलदार को भी प्रदर्शन स्थल पर आना पड़ गया। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमें टीचर की जरूरत है और हमारा सर का ट्रांसफर भी रुकवाना है। प्राचार्य मोदी शिक्षक नहीं है, शिक्षक कोई भी नहीं है। मामला जिले के शामगढ़ के खजूरी पंथ गाँव हाई स्कूल का है। सड़क पर बच्चों का यह हंगामा बहुत देर तक चला। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार राकेश बर्डे ने बच्चों को समझाया, लेकिन बच्चे नहीं माने, जिसके बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह चौहान ने बच्चों की मांग सुनने के बाद दो टीचर की अस्थायी रूप से नियुक्ति की और इसके बाद बच्चों ने भी अपना धरना खत्म किया। बच्चों की मांग थी कि यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है और जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं था, उसके संबंध में बच्चों ने हम लोग उपस्थित हुए, पुलिस प्रशासन साहब, शिक्षा विभाग सीओ साहब, सब लोग उपस्थित हुए, बातचीत किए। अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और जब तक स्थायी शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हो जाती तब तक बच्चों संतुष्ट हैं और सभी सब्जेक्टों को पढ़ाने की जो है चिंता करते हुए जो क्लासेस अभी नहीं हो पाए हैं उसको पढ़ाने का भी अलग से क्लासेस वगैरह लगवाएंगे। धरना तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ क्या गया, कई सवाल। सवाल उस सिस्टम से जिसकी वजह से इन बच्चों को सड़क पर आना पड़ा, सवाल उन अधिकारियों से जिनको अब तक ये नहीं पता था कि इस स्कूल में शिक्षक ही नहीं है और बिना शिक्षक के ही ये बच्चे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल उस सरकारी महकमे से जो दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन जमीन पर वो सारे दावे फेल नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।